आज सतगुरुवार के वरदानी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। 25 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, माया ने तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है। अब बाप तुम्हारी हीरे जैसी पारस बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बनाते हैं, अर्थात जो ईश्वर में गुण हैं वह तुमको वर्षे में मिल जाते हैं। ज्ञानेश्वर बाप ज्ञान और योग से पतितों को पावन बना रहे हैं, यह भूलो मत। ऐसे बाप को तो रात को याद करते करते सो जाना चाहिए। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए, अब सच्ची सच्ची कथा बाप ही सुनाते हैं, जिससे तुम देवता बन जाते हो, तो ध्यान से सुनना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा, बच्चे माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, हर कल्प तुम जीत पाते आए हो। अभी तुम्हें बेहद का बाप मिला है, जो राजयोग सिखलाकर इन विकारों रूपी रावण पर जीत दिलाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे, तो और सब बातें छोड़ सिर्फ इस बाजोली को याद करो। इससे तुम्हें स्वतः सारा ज्ञान याद रहेगा। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर तुम्हें औरों को भी आप समान बनाना है। लास्ट में बाबा ने कहा, सच्चे साहिब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, सब रोग खत्म होते हैं और तुम निरोगी बन जाते हो। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। प्रश्न, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण हैं वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है? बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे, कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सत्चित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर शांति का सागर। तुम जानते हो, सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूरत हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तख्त हैं। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडोप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शुद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप
पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो, जो ईश्वर में गुण हैं वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। समझाते समय यह भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर वन, उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है, ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सदगति, पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है कि योग दो प्रकार का है, वह है हठ योग और यह है राजयोग। वह हद का, यह है बेहद का। वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। यह छोटा सा नया झाड़ है, तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं, सैपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं, हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। सो अक्षर जरूर लगाना है, सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे हम सो ब्राह्मण बने। यह बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, यह तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वह झोली नहीं भरते हैं, यह तो चित्रकारों ने बना दिया है। शंकर की बात है नहीं, यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है, यह है इनका अर्थात ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले यह विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा बना है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, सबका नाम बदल दिया क्योंकि संन्यास किया ना, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल लिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है, उनका यह अकाल तख्त है, इनका भी है। इस तख्त का वह लोन लेते हैं, उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमोप्रधान से सतोप्रधान कौन बनाएंगे, बनाने वाला तो चाहिए ना, इसलिए ही मेरा ऐसा पार्ट है। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, वहाँ मेरी दरकार ही नहीं। भक्ति में मेरा पार्ट है, फिर मेरा पार्ट आधा कल्प नहीं। यह तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करें। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रालब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तुम्हारी यह युद्ध चल रही है, तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं, जैसे कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाएंगी। बहुतों को आप समान बनाती हैं, तो बच्चों को यह बुद्धि में रखना है, यह बाजोली है, छोटे बच्चे भी यह समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं
बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है जो दो युग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, परंतु हिंदू कहला दिया है। कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं, फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो यह हाल हो गया है। बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो, सेना हो ना। बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता, अमर लोक है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो ना सके, स्कूल में भी कोई पास होते हैं कोई ना पास होते हैं, यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इसमें कोई और बात नहीं, पवित्रता की है मुख्य बात, लिखा हुआ भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो, यह गीता के अक्षर हैं, यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है, आटे में नमक कुछ है, बात कितनी सहज है जो बच्चा भी समझ जाए, फिर भी भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई, हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने लिए, एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, तुम जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे, और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा, करके लाख डेढ़ होगा, यह बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, हम सो का अर्थ भी समझाना है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, यह 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की ग्लानी करते हैं ना, यह भी ड्रामा में नोंद है, कोई पर दोष नहीं रखते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो, तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, यह ड्रामा भी बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, यह खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ, यह है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वह सब हैं गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह लिए एम है, पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह लिए बैठ कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो, वहाँ हर चीज़ नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं
और सब बातें तुम छोड़ बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं, गरीब तो उनमें जा ना सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है, यह है अल्पकाल का सुख। गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है, वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे, यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं कि तुमने मेरी ग्लानी की है, अपने को चमाट मारी है। ग्लानी करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जब साहेब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। अक्षर ही दो हैं, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार ही नहीं है। यह भी बाप आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है, वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात भी नहीं होती, यह तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, यह बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो यह ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम ही है सहज ज्ञान सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है, दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश होते हैं, फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं, मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, न कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते नहीं, कितनी सहज बात है। यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। दूसरा, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाप हमारे साथ है। आज का वरदान, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मद दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए,
निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। स्लोगन, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।